लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर 2009 से चंद्रमा की सतह की खोज कर रहा है। ये ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह की मैपिंग और तस्वीरें ले रहा है। यह चंद्रमा की सतह से लगभग 50 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। अब क्योंकि इसे धीमा करने के लिए चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए यह वास्तव में सतह को अपने पावरफुल कैमरे के साथ बहुत ही सुंदर डिटेल्स में देख सकता है। चंद्रमा की हमसे निकटता के कारण डेटा की मात्रा जो यह प्रतिदिन हमें भेजने में सक्षम है, वह मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर, जुपिटर के आसपास जूनो मिशन और प्लूटो से गुजरने वाले न्यू होराइजन मिशन जैसे मिशनों से कहीं ज्यादा है। असल में ये प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूप से 155 गीगाबाइट या हर साल 55 टेराबाइट तक डेटा भेज सकता है। आज इस वीडियो में हम चंद्रमा की सतह के बारे में जानेंगे और उन तस्वीरों को देखेंगे जो लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने कैप्चर की, और साथ ही हम चंद्रमा पर मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ों का भी पता लगाएंगे। लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के विपरीत एक कोण से तस्वीरें लेने में सक्षम होने के साथ साथ ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से तस्वीरें लेने में भी सक्षम है। इसका मतलब है कि हम चंद्रमा के पहाड़ों को देखने में सक्षम होंगे जैसे कि एक विमान के कॉकपिट से, जो हमें ऊंचाई और स्केल की बेहतर समझ देता है। यद्यपि हमारा सेंस ऑफ स्केल पहले से ही गंभीर रूप से गड़बड़ है, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे पास देखने के लिए ये दृश्य है जिससे हमें ये तय करने में मदद मिलती है कि कोई चीज कितनी ऊंची और दूर है। उदाहरण के लिए हम ये बता सकते हैं कि यहाँ ये बैकग्राउंड 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वातावरण पहाड़ों को काफी धुंधला बना देता है। इसके अलावा हम शहर और कुछ पेड़ों को भी देख सकते हैं, जिनमें से सभी हमें मोटे तौर पर यह जानने में मदद करते हैं कि हम कितनी बड़ी वस्तु देख रहे हैं। लेकिन चांद पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये पहाड़ कितना बड़ा होगा और इस तस्वीर के आगे का भाग कितना चौड़ा है? इस तस्वीर का अग्रभाग लगभग 15 किलोमीटर का है और ये सामने का पहाड़ लगभग 7 किलोमीटर ऊंचा है। पीछे की तरफ ये दो विशाल चोटियां 200 किलोमीटर दूर हैं और लगभग 4500 मीटर ऊंची हैं। इन तस्वीरों के स्केल का अंदाजा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है इस अद्भुत टूल का उपयोग करना। नासा ने इसे क्विक मैप नाम से जारी किया है, जहां हम विभिन्न फिल्टर के तहत चंद्रमा को देख सकते हैं, जिसमें एक टोपोग्राफिकल मानचित्र भी शामिल है। यहाँ ये तस्वीर के अग्रभाग के पहाड़ है और यहाँ ये पीछे की चोटियां हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये चोटियां एक गड्ढे की रिम के आसपास मौजूद हैं। आज हम जिन पर्वतों को देखेंगे उनमें से कुछ या तो रिम्स पर मौजूद हैं या क्रेटर्स के केंद्र पर। यहाँ इस तस्वीर में जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये कॉपरनिकस क्रेटर में मौजूद हैं। जब क्रेटर बनते हैं तो हम सभी उनके द्वारा बनाए गए सर्कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़े क्रेटर अक्सर केंद्र से ऊपर उठते हैं। ये पानी से भरे एक टब में गिरने वाली पानी की बूंद की तरह नहीं है और न ही इलास्टिक रिबाउंड की तरह, जहां इंपैक्ट के बाद केंद्र फिर से ऊपर उठता है। यह केवल इलास्टिक स्ट्रेंथ वाले मटेरियल के साथ होता है, जो अपने मूल आकार में वापस लौटने की कोशिश करता है। इसके बजाय क्रेटर्स के केंद्र में ये अपलिफ्ट सरफेस मटेरियल द्वारा ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम को पहले की स्थिति में लाने के प्रयास के कारण होता है। कॉपरनिकस क्रेटर को आसानी से एक शौकिया दूरबीन से चंद्रमा की सतह पर देखा जा सकता है, और परिणाम स्वरूप ये जमीन से चंद्रमा की सबसे अधिक देखे जाने वाली चीजों में से एक है। केंद्र में स्थित ये पहाड़ बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन ये गड्ढे के तल से केवल 1000 मीटर ऊंचे हैं। यदि हम थोड़ा जूम आउट करें तो हम देखेंगे कि ये आसपास के क्रेटर की दीवारों से कितने बौने हैं, जो कि क्रेटर के तल से लगभग 4000 मीटर ऊंची हैं। यहाँ इस क्रेटर को हम एक दूसरे कोण से देख रहे हैं, और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इस क्रेटर की घाटी ढेलेदार है, यानी गांठों से भरी हुई है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सपाट है। इसका कारण है विशाल इम्पैक्ट, जिससे 100 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। इस गड्ढे का तल लावा से भरा था, जो अंततः जम गया। चलिए चंद्रमा पर एक नई जगह पर चलते हैं। ये है एपेनिन पर्वत श्रृंखला,
जो 3 से 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। ये श्रृंखला पूरे सौरमंडल में सबसे बड़े इंपैक्ट क्रेटरों में से एक इमिब्रियम बेसिन में पाई जाती है। ये पहाड़ इस ठोस लावा मैदान के बगल में दिलचस्प लगते हैं और ये चंद्र घाटी पर्वत के बीच संकुचित मार्ग की तरह है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य होने के अलावा इस जगह के बारे में और कुछ खास है। ये वास्तव में वो जगह है जहां 1971 में अपोलो 15 मिशन उतरा था, जिसका मतलब है कि इन पहाड़ों के लिए एक जमीनी पर्सपेक्टिव भी है, जहां इस तस्वीर में इन्हीं पहाड़ों के साथ लूनर मॉड्यूल मौजूद है और यहां से ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के काफी करीब हैं। लेकिन याद रखिए, चीजों के बारे में हमारी धारणा तिरछी है। वास्तव में जिस मैदान पर कैमरा मौजूद है से ये 5 किलोमीटर ऊपर उठे हुए हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद नेपाली और भारतीय मैदानों के ऊपर सामने से हिमालय की तुलना में भी ज्यादा ऊंचे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने चंद्र रोवर का उपयोग करके भी घाटी की जांच की। ये घाटियां करीब 380 मीटर तक गहराई में हैं। चंद्रमा की सतह पर ये घाटियां या संकीर्ण चैनल्स आज भी एक रहस्य हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये यहाँ क्यों हैं। एक प्रमुख सिद्धांत ये है कि ये चंद्रमा की सतह के नीचे उजागर या कोलैप्स्ड मैग्मा सुरंग है, उस समय जब चांद भौगोलिक रूप से सक्रिय था। लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के दृष्टिकोण से रोवर द्वारा छोड़े गए ट्रैक्स को आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि धूल से ट्रैक्स को कवर करने के लिए चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है। इसलिए भले ही अपोलो मिशन इस तस्वीर को लेने से लगभग 40 साल पहले हुआ था, लेकिन अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। चांद पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात किए बिना कुछ ऊंचे पॉइंट्स के बारे में बात करना सही नहीं होगा। ये चोटी बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में उथली ढाल है, केवल 3 डिग्री की। ये चोटी इस पूरे चंद्रमा के सबसे बड़े इंपैक्ट क्रेटर के पास है, एटकेन क्रेटर, जो करीब 4 अरब साल पहले बना था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गड्ढा बहुत बड़ा है और विस्फोट के परिणाम स्वरूप इसके चारों ओर बहुत सारे मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिन्हें अब चंद्रमा पर मौजूद सबसे ऊंची चोटियों के रूप में जाना जाता है। ये क्रेटर संभवतः 200 किलोमीटर व्यास की वस्तु के कम वेग से सतह से टकराने से बना था। ये वस्तु तीखे कोर से सतह से टकराई थी, क्योंकि इसके टकराव से उत्पन्न ज्यादातर मलबा एक ही दिशा में प्रवाहित हुआ है। दिलचस्प रूप से चंद्रमा पर सबसे लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है। सबसे लोएस्ट पॉइंट घाटी के भीतर एक क्रेटर में पाया गया है, जो सतह से करीब 9106 मीटर नीचे है, और हाईएस्ट पॉइंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है, करीब 10786 मीटर ऊंचा। एक प्रश्न, वैज्ञानिकों ने यह ऊंचाई कैसे निकाली? ये ऊंचाई चंद्रमा के औसत रेडियस और उस पॉइंट के एलिवेशन की तुलना करने से आती है। इससे आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे।